आप सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं रवि तिवारी, आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट भी तालुक से। जैसे कि कल बात हुई थी, वादा हुआ था कि डेली 9 बजे आपसे रूबरू होऊंगा, रट लो कुछ दिन बाद लेके आऊंगा, लेकिन किसी न किसी माध्यम से आपसे जुड़ा रहूंगा, कुछ ना कुछ आपको बताता रहूंगा। आज अपने मूल विषय रीजनिंग के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जब तक मैं रट लो लेके नहीं आ रहा हूँ, तब तक मैं रीजनिंग से कुछ शुरुआत कर रहा हूँ। प्रत्येक दिन मैं कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा जिससे एक ही क्लास में आप 2-3 प्रश्नों को जरूर तैयार करेंगे। अगर आप 35-40 मिनट का समय मेरे साथ रहते हैं तो 3 से 4 प्रश्नों को प्रत्येक क्लास में आप जरूर तैयार करेंगे। UPSI वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उसके अलावा जितनी भी आगामी परीक्षाएं, चाहे आप लोअर PCS दे रहे हो, NTPC दे रहे हो, रीजनिंग के टॉपिक के साथ एक खास बात यह होती है कि वो कॉमन होते हैं और किसी भी परीक्षा में उनका नेचर नहीं बदलता। हाँ, लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग होता है। जैसे अगर आपने सामान्य तरह की रीजनिंग पढ़ी है तो आप UPSI का पेपर हल नहीं कर सकते, क्योंकि 10 से 12 या 15 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो स्पेशलाइज है UPSI के लिए। कुछ टॉपिक्स को मैं और कल परसों में आपको लेके आऊंगा तो आप इसके महत्व को अलग कर पाएंगे और सामान्य सिलेबस जो है उससे भी इसको अलग कर पाएंगे कि आपको किस लिहाज से इसको पढ़ना है। UPSI में प्रवेश प्रक्रिया खुली हुई है, आपके मैसेज संदेशों के दबाव के कारण कुछ दिन और खोली गई है। प्रक्रिया आप कैसे प्रवेश ले सकते हैं, कई वीडियोज में आपको बताया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन जो चल रहा है, आप गौर से देख रहे हैं, इस पर भी प्रवेश प्रक्रिया आपको बताई गई है। आप फोन करके या व्हाट्सएप करके अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। आइए, जिस टॉपिक की आज मैं बात कर रहा हूं, UPSI के पहले प्रमोशंस में मैंने उसी टॉपिक को उठाया था और उसी टॉपिक को आज पूरा करने चल रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है फिगर काउंटिंग। क्लियर? फिगर काउंटिंग से एक सामान्य प्रश्न बनते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आधारित होते हैं। पिछले 5 वर्षों में जितने प्रश्न आपके UPSI में फिगर काउंटिंग से आए हैं और लोअर PCS PCS में फिगर काउंटिंग से आए हैं, आज मैं उन सभी प्रश्नों को सेकंड्स में आपको हल करना भी बताऊंगा कि कैसे वो प्रश्न सेकंड्स में हल होते हैं, और मैं बताऊंगा आपको कि उनका नेचर क्या है, या दो आकृतियां जब एक साथ सम्मिलित होती हैं तो उन प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसे होती है। इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो उसको देखें, ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको हल कराए थे। अब दो आकृतियों के जुड़ने से आपने देखा कि जो पिछले 2 पेपर हुए हैं लोअर PCS के और UPSI के, उनमें 2-2, 3-3 आकृतियों को समाहित करके प्रश्न बनाए गए हैं। तो आज मैं उन पर पूरी चर्चा करता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे वो प्रश्न आप हल कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के इस हिस्से की। तैयार हो जाए, कोशिश करिएगा कि आप लोग भी कमेंट में मेरे साथ उत्तर करें। आइए, इससे पहले जो बात हम लोगों की हुई थी, अगर हम लोग देखें तो मैंने आपको सामान्य त्रिभुज सॉल्व करना सिखाया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके का कोई त्रिभुज हो तो कैसे हल करते हैं, तो मैंने आपको बताया था केवल आपको सेगमेंट्स को जोड़ देना है। ठीक, मैं 1 मिनट में रिवाइज करता हूं। जैसे सेगमेंट का मतलब होता है ये जो भाग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। हम सभी त्रिभुजों को नहीं गिनते, हम सेगमेंट को जोड़ दें तो हमें त्रिभुजों की संख्या मिल जाती है। जैसे 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, तो इस आकृति में त्रिभुज कैसे होंगे, 10। फिर मैंने आपको ये एप्लीकेशन बताया था कि मान लीजिए इसमें अगर ऐसे रेखाएं खींच दी जाए तो त्रिभुज कैसे होते हैं, इसको भी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में। तो मैंने आपसे बताया था आसानतम, जितनी रेखाएं खींची गई हो उससे एक बड़ी संख्या का गुणा कर दीजिए तो टोटल त्रिभुजों की संख्या आएगी। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 50। इस पर बात कर चुके हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको यह बताया था कि किसी आयत या विकर्ण में, अगर किसी आयत या वर्ग में अगर दोनों विकर्ण खींच दिए जाएं तो त्रिभुजों की संख्या 8 होती है। मैंने पूरा आपको डिस्क्राइब करके बताया था और ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के साथ बताया था कि किसी आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या केंद्र से गुजरने वाली रेखाओं की 2 गुनी होती है। क्या बताया था, केंद्र से गुजरने वाली रेखाओं की 2 गुनी होती है। और इसको मैंने ब्रेक भी किया था और आपको बताया था कैसे। जैसे मान लीजिए यहां पर केंद्र से कितनी रेखाएं जा रही हैं, 1, 2, 3, 4। अगर 4 रेखाएं जा रही हैं तो केंद्र से जाने वाली रेखाओं की 2 गुनी, तो 4 का मतलब कितना हो गया, 8। पिछले लेक्चर में मैंने पूरा इसको डिस्क्राइब किया है और गिन के आपको बताया है। क्लियर? अगर मान लीजिए केंद्र से जाने वाली रेखाओं की 2 गुनी होती है तो इससे फिर हम बहुत सारे सवाल हल कर सकते हैं, जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये रेखा बनाई, यहां पर आकृति बनाई और इस पर हमने ऐसी सीधी रेखाएं खींच दी। अब मैंने कहा त्रिभुजों की संख्या, तो आपको जब कॉन्सेप्ट पता है कि किसी आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या केंद्र से जाने वाली रेखाओं की 2 गुनी होती है, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप त्रिभुज ना गिन के रेखाएं गिन लीजिए,
तीन चार पांच छह सात आठ, तो आठ का दोगुना कितना हो गया 16, तो इस आकृति में त्रिभुज कितने हो जाएंगे बताइए, 16 हो जाएंगे। इस पर भी हम लोग बात कर चुके थे। अब ये होता है आपका सैडल ट्राइंगल। अब आज की बात हम लोग शुरू करते हैं और फिर कुछ संयुक्त आकृतियों की बात हम लोग करते हैं। सैडल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं सीढ़ीदार त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जब आपसे पूछे जाते हैं तो ये प्रश्न आपको थोड़े से कठिन लगते हैं। जैसे दो त्रिभुज आप सामने देख रहे हैं, ये दोनों ही त्रिभुज आप लोगों से पूछे गए हैं परीक्षाओं में। तो सैडल ट्राइंगल को हम हल कैसे करें, हमें इस पर बात करनी है। गौर से देखिए, जब इस तरीके का प्रश्न आए तो इसका एक कॉमन क्राइटेरिया होता है हल करने का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हल होता है। हमें केवल यहां पर लिखना है इसके लिए छोटे त्रिभुजों की संख्या, छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे दो माइनस पांच। क्या लिखना है, छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे दो माइनस पांच। तो अब छोटे त्रिभुज कौन से होते हैं, थोड़ी सी एक बात और मैं करना चाहता हूं। लगातार कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं इस विषय पर। आप लगभग सभी यूपीएसआई के विषय विशेषज्ञों से परिचित हो चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता आपके जो हाईकोर्ट के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के संजय जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील है, वो मूल विधि में आपके साथ बैच में सीधे जुड़ेंगे। चूंकि हम उनको पब्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारी दिशा निर्देश कुछ और होते हैं जिसमें वो दो काम एक साथ नहीं कर सकते, तो बैच में वो आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। मूल विधि की जो हमारी रेगुलर फैकल्टी है उनसे जल्द ही आप लोग रूबरू होंगे। सभी विशेषज्ञों को चुन चुन के रखा गया है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस रहा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और प्रवेश प्रक्रिया खुली हुई है, आप जल्दी से जल्दी अपने प्रवेश को वहां पर सुनिश्चित कराएं। आइए मैं यहां पर बात करता, अगर सैडल ट्राइंगल है जो छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे दो माइनस पांच। अब बात ये आती है कि सर छोटे त्रिभुज होते कौन से हैं, इस पर हमें बात करनी है। तो देखिए, छोटे त्रिभुज हम उन त्रिभुजों को मानते हैं जो आकृतियों के अंदर के त्रिभुज होते हैं, जैसे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह। क्लियर। अब ये 16 त्रिभुज अगर छोटे त्रिभुज हैं तो यहां पे हम कह देंगे इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 16 गुणे दो माइनस पांच बराबर कितना होगा 27। तो इस आकृति में त्रिभुज कितने हो जाएंगे बताइए, 27 त्रिभुज इस आकृति में हो जाएंगे। तो हमें बहुत परेशान नहीं होता है, हमें आसानी से इसके आंसर करना है। अगर मैं इसी पैटर्न पर आपसे ये पूछूं कि सैडल ट्राइंगल के बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो ये भी आपके लिए उतना ही आसान होगा। आप अंदर वाले त्रिभुजों को बस गिन लीजिए, छोटे त्रिभुज होते हैं पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और पच्चीस। क्लियर। अगर ये 25 ट्राइंगल्स यहां पर हैं, तो अब हमारे लिए कॉन्सेप्ट आसान हो गया। हम कहेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5, तो यहां पर बताओ कितना हो जाएगा 45। अगर यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 45। आप इससे पहले का यूपीएसआई और लोअर पीसीएस का पेपर उठा के देखिए, दोनों ही प्रश्न पत्रों में ये आकृति आपसे पूछी गई है। लेकिन जब यहां से आईएएस ने एक बार आपसे रीजनिंग में प्रश्न पूछा, तो उन्होंने इस आकृति के प्रकार को थोड़ा सा बदल दिया। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ी सी दिक्कत है। ये फॉर्मूला या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये रिलेशन हम तभी अप्लाई करते हैं जब सैडल ट्राइंगल कंप्लीट हो, और सैडल ट्राइंगल की पूर्ण अवस्था हम उसको कहते हैं जब यहां पर जो त्रिभुज है इनमें सभी लाइनें खिंची हों। लेकिन कभी कभी ये होता है कि सैडल ट्राइंगल पूर्ण नहीं होते हैं और हमें प्रश्न दिए जाते हैं। इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, जैसे एक प्रश्न यहां पर आईएएस की परीक्षा में आपसे पूछा गया। अब जैसे ये आकृति है, तो इस आकृति में आपका जो कॉन्सेप्ट है छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे दो माइनस पांच, आप नहीं लगा पाएंगे। छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणे दो माइनस पांच, यहां पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब आपका मन होगा, सर हम क्यों अप्लाई इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सैडल ट्राइंगल है ये पूर्ण नहीं है। कैसे पूर्ण नहीं है, आप गौर से देखिए, पूर्ण तब होता है सैडल ट्राइंगल जब इस सैडल ट्राइंगल में यहां पर ये वाली लाइन खिंची होती यहां पर, और ये वाली लाइन यहां पर ऐसे खिंची होती, तब ये सैडल ट्राइंगल आपका क्या होता, पूर्ण होता। तो यहां पर दो लाइन नहीं है और यहां पर एक लाइन नहीं है। लेकिन इसके उत्तर निकालने का भी तरीका केवल एक ही है, क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते फ्रीक्वेंटली। तो हम कैसे इसके उत्तर को निकालेंगे, अब हमें यह देखना है। तो गौर से यहां पर एक बात देखिए,
जब हमें इस फॉर्मूले को लगाना हो तो हम क्या करते हैं, जो अपूर्ण आकृति है उसको हम पूर्ण कर देते हैं, अपूर्ण आकृति को हम पूर्ण कर देते हैं, जैसे अपूर्ण था अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो अब हम कहेंगे 16 × 2 − 5 तो ये तो 27 हो गया पिछले वर्ष, लेकिन गौर से देखिए चूंकि ये लाइन थी नहीं तो इन दोनों लाइनों के आने से कितने त्रिभुजों का अस्तित्व बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर ये 4 त्रिभुज मूल आकृति में नहीं थे, हमने फॉर्मूला लगाने के लिए वो लाइंस खींची थी तो 4 त्रिभुज का अस्तित्व बढ़ गया, तो बाद में हम क्या करें मूल आकृति में से 4 त्रिभुज को कम कर देंगे तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी होगी बताइए, 23 हो जाएगी, 23 हो जाएगी। अगर हम यहां पर देखें तो गौर से देखिए, आप लोग भी उत्तर करें जल्दी से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहां पर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 है ना, 25। अब गौर से देखिए यहां पे, ये 17 है और ये 18 है, क्लियर, 17 है और ये 18 है। अब यहां पे दो त्रिभुज नहीं है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, अब हम कहेंगे 25 × 2 − 5 तो ये कितना होगा, 45। कितने त्रिभुज का अस्तित्व नहीं था, दो त्रिभुज का, दो हम घटा देंगे तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 43। ये सवाल आपसे आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। तो सैडर ट्राइंगल का मतलब ये है कि सैडर ट्राइंगल दो रूप में आ सकता है, इसको हम कहते हैं कंप्लीट सैडर ट्राइंगल, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है। अगर सैडर ट्राइंगल कंप्लीट नहीं है तो हमें उसको कंप्लीट कैसे करना है, इस तरीके से हमें उसको कंप्लीट करना है। आइए देखिए एक बात और, आपकी यूपीएसआई में एक महत्वपूर्ण पोर्शन है जो रीजनिंग के साथ दिया गया है, जिसको आप कहते हैं सामान्य मानसिक अभिरुचि, जिसको आप कहते हैं लीगल एप्टीट्यूड। संप्रदायिकता क्या है, जनहित याचिकाएं क्या है, जनहित क्या है, सौहार्द क्या है, सौहार्दपूर्ण वातावरण क्या है, क्लियर है, पुलिस प्रशासन क्या है, पुलिस क्या है, वो सब आपको सामान्य मानसिक अभिरुचि के हिस्से में मैं पढ़ाऊंगा, है ना, तो वो रीजनिंग का हिस्सा है, उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, जल्दी मैं उसकी 1-2 क्लासेस लेके आपके सामने होऊंगा, क्योंकि वो बहुत आसान है और वहां से जो 6 और 7 प्रश्न आपके बनते हैं वो आपके तुरंत ही कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग के सेगमेंट में ही उसको दिया गया है जो कि मूल विधि से अलग हिस्सा है। आइए मैं आपको और आप यहां पे बताता हूं, जब आगे हम लोग यहां पे और बढ़ रहे हैं, जैसे ये तो आपको क्लियर हो गया, तो गौर से अब आप यहां पे देखिए, हम बात करते हैं वृत्त की और आयत, जैसे हम कहते हैं वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, क्या कहते हैं, वर्गों की संख्या। अब दो चीजें पहले समझ लीजिए, जब हम वर्गों की संख्या को देख रहे हैं यहां पर, तो हमसे केवल यह प्रश्न दिया जाता है कि कोई आकृति हमें दी गई या कोई इबादत हमें दी गई, इबारत हमें दी गई, एक सवाल लाइंस के रूप में दिया गया और हमसे कहा गया कि इस आकृति में वर्गों की संख्या क्या होगी। वर्गों की संख्या के दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, पहला कॉन्सेप्ट बनता है यहां पर कि वर्ग में वर्गों की संख्या, वर्ग में वर्गों की संख्या, और दूसरा कॉन्सेप्ट आपका बनता है यहां पर आयत में वर्गों की संख्या, आयत में वर्गों की संख्या, ध्यान से दीजिए। लेकिन जब परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो परीक्षा के प्रश्न में आपसे केवल पूछा जाता है कि वर्गों की संख्या क्या होगी, क्या पूछा जाता है, वर्गों की संख्या क्या होगी। आकृतियों को आपको पहचानना होता है कि आप अगर आकृति वर्ग होगी तो आप वर्ग में वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे, और अगर आकृति आयत होगी तो आप आयत में वर्गों की संख्या को ज्ञात करेंगे। लेकिन वह केवल यह पूछते हैं कि वर्गों की संख्या क्या होगी। अब दी हुई आकृति वर्ग है कि आयत है, यह आपको पहचानना है। अगर आपने पहचान लिया कि दी हुई आकृति वर्ग है तो आप वर्ग में वर्गों की संख्या को ज्ञात करेंगे, और अगर आपने पहचान लिया कि दी हुई आकृति आयत है तो आप आयत में वर्गों की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो वर्वल जब हम पढ़ते हैं, वर्वल में बहुत आसान होता है जब आंकिक मान दिए होते हैं वर्ग को और आयत को अलग अलग करना, लेकिन नॉन वर्बल में इसको पहचानना थोड़ा सा टफ होता है। आइए बात करते हैं कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए मैं दोनों ही समान प्रभाव की आकृतियों को बना दूं, सपोज करिए मैंने एक आकृति आपकी ये बनाई
और इसी मेजरमेंट की एक आकृति मैंने आपकी ये बनाई। अगर हम इसकी माप में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, जैसे मैं कहूं ये 15 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 20 है, तो आप कहेंगे सर आयत है, रेक्टेंगल है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो क्या होगा, आयत होगा। अगर हम यहां पे हैं, मैंने कहा ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो आप कहेंगे सर चारों भुजाएं बराबर हैं तो क्या है, वर्ग है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। लेकिन जब हम नॉन वर्बल में होते हैं तो हमें मेजरमेंट्स नहीं दिए होते, ये मेजरमेंट्स जब हमें नहीं दिए होते तो हमें ये पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि आयत या वर्ग क्या होंगे। तो नॉन वर्बल में इसको पहचानने के तरीके अलग हैं। कैसे है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ लाइंस खींच दूं, जैसे मैंने ये खींचा, यहां पे मैंने थोड़ा दूर दूर खींच दिया, क्लियर है, ये पास पास कर दिया। अब दोनों ही आकृतियां एक जैसी लग रही हैं। अब हमें वर्गों की संख्या निकालनी है तो हम कैसे तय करेंगे कि इसमें कौन सी आकृति वर्ग है और कौन सी आकृति आयत है, है ना। पिछले वाले यूपीएसआई में ये सवाल भी आपसे पूछा गया है, अब आप गौर से इसको देख लीजिए। तो जरा सा देखिए हम कैसे निकालते हैं। इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम कहते हैं रो, ये होते हैं पंक्ति, ध्यान समझिएगा। और इस तरीके की जो लाइंस होती हैं इनसे जो स्ट्रक्चर बनते हैं होते हैं स्तंभ, इसको हम कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं बताइए, कॉलम कहते हैं। अब देखिए गौर से कैसे हम इसको देखते हैं। हम इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर है तो ये आकृति वर्ग होगी। अगर किसी आकृति में 5 बराबर 5, अगर किसी आकृति में, एक ही तरीका है पहचानने का, अगर किसी आकृति में रो और कॉलम्स की संख्या बराबर है तो दी हुई आकृति बताइए क्या होगी, वर्ग होगी, ध्यान दीजिए। लेकिन अब हमें से इसको गिने, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4। अब देखिए, when row is not equal to column, जब रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है तो दी हुई आकृति यहां पर क्या होगी बताइए, आयत होगी। क्या होगी बताइए, आयत होगी। तो जब रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है तो दी हुई आकृति वर्ग होती है, और जब रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती तो दी हुई आकृति क्या होती है, आयत होती है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हमसे तो केवल यही पूछा गया कि वर्गों की संख्या क्या होगी। तो अब अगर ये आकृति आपने पहचान ली तो आप वर्ग में वर्गों की संख्या निकालेंगे, और ये आकृति अगर आपने पहचान ली तो आप आयत में वर्गों की संख्या को निकालेंगे। अब एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहले देखते हैं वर्ग में वर्गों की संख्या। जैसे मान लीजिए ये आकृति है, हमने आपसे कहा कि इस आकृति में वर्गों की संख्या क्या होगी, तो पहले आप इसको देखिए कि ये क्या है। आपने तुरंत गिना, आपने गिना रो और कॉलम की संख्या बराबर है तो आपने कहा दी हुई आकृति वर्ग है। तो अब आपको वर्ग में वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है, तो वर्ग में वर्गों की संख्या अगर आप ज्ञात करेंगे तो इसका तरीका बहुत आसान है। अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो या तो आप रो का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए या तो आप कॉलम का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। जैसे देखिए यहां पर भी 6 और यहां पर भी 6 है, तो आप स्क्वायर करके जोड़ना शुरू कर दीजिए, किसी भी एक तरफ का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो यहां पर 36 होगा, फिर क्या होगा 25 होगा, फिर क्या होगा 16 होगा, फिर क्या होगा 9 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा, और फिर क्या होगा 1 होगा। आप किसी एक तरफ का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो इसको अगर हम जोड़े तो 6 और 5 11, और 6 कितना हो गया बताओ, 11 6 17, और 17 और 9 कितना हो गया बताओ, 17 और 9 26, 4 30 और 1 31 1 3 कैरी किया, 3 और 2 5 और 1 6 और 3 9 91। इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी बताइए, 91 होगी। हम इसको गिन नहीं सकते, है ना, हम इसको गिन नहीं सकते, क्योंकि हमने कितना गिन सकते हैं, हम एक एक के वर्ग गिन सकते हैं, तो एक एक के वर्ग 36 हैं, लेकिन फिर दो दो के भी तो वर्ग होंगे। मान लीजिए आपने एक एक के गिन लिए, तो फिर यहां पर आप कहेंगे सर ये दो दो के वर्ग हैं, फिर दो दो के होंगे तो फिर ये चार चार के वर्ग भी बनेंगे बीच में,
फिर ये वर्ग भी बनेंगे आपके, तो गिनना मुश्किल होता है, हम इतनी आसानी से गिन नहीं सकते। तो हमें सीधे सीधे क्या करना है, या तो हम रो का स्क्वायर करके जोड़ दें या तो हम कॉलम का स्क्वायर करके जोड़ दें। जैसे एक आकृति मैं आपको देता हूं, आप बताइएगा उसमें स्थिति क्या है। चलिए जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक आकृति दी, छोटी सी आकृति, बताइए इस आकृति में वर्गों की संख्या क्या है, आप लोग आंसर करें तेजी से। अब इसके एक और पक्ष को मैं बताऊंगा, जब सवाल आपसे पूछा गया तो इसी को ज्योमेट्री की भाषा में कैसे पूछा गया, बना के नहीं लिख के पूछा गया, इबारत के रूप में। अगर इसको हम देखें तो यहां पे आसान है, बताओ क्या होगा इसको अगर हम देखें तो। आपने कहा सर एक दो तीन चार और एक दो तीन चार, तो आप सीधे कहेंगे 16 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया, जोड़ दीजिए तो 6, 9, 15, 4, 19, 1, 20, 0, 2, 1, 3। तो आपने कहा इस आकृति में वर्ग कितने होंगे, 30। लेकिन इसी सवाल को जब लैंग्वेज में पूछा गया तो आपसे पूछा गया, देखिए इस तरीके की जो रेखाएं होती हैं इनको हम कहते हैं क्षैतिज, और इस तरीके की जो रेखाएं होती हैं इनको हम कहते हैं लंबवत। तो सवाल को देखो कठिन करना था तो कैसे पूछा गया, 5 क्षैतिज एवं 5 लंबवत रेखाओं को एक साथ एक चौकोर आकृति में वर्ग या आयत के रूप में इस प्रकार संयोजित किया गया है कि इनके परस्पर संयोजन से बनने वाली प्रत्येक आकृति एक वर्ग या आयत के रूप में दिखाई देती है। ऐसी रेखाओं से बनी हुई आभासी आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी, क्या पूछा गया था, आसान सवाल था क्या, कि 5 क्षैतिज और 5 लंबवत रेखाओं को एक साथ एक चौकोर आकृति में वर्ग या आयत के रूप में संयोजित किया गया है जिससे बनने वाली प्रत्येक चौकोर आकृति एक वर्ग या आयत के रूप में दिखाई देती है। ऐसी आभासी आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी बताइए, 30 होगी। क्लियर है ना, बात क्लियर हुई। तो लैंग्वेज में मैं आपको कराऊंगा बैच में कि जब फिगर काउंटिंग का सवाल लैंग्वेज में चला जाता है तो भी वो सवाल बहुत आसान होता है, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है। अब मान लीजिए आयत में अगर वर्ग आ जाए तो उस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे, ये तो वर्ग में वर्ग था। अब गौर से देखिए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बदलते हैं, देखिए ये देखिए एक सवाल है। चलिए अब मैंने आपसे कहा कि इस आकृति में वर्ग निकालिए, तो आपने पहले कहा सर हम देख तो लें कि ये आकृति क्या है, 8। चलिए आपने कहा 8 और 5 का रेशियो है, तो इसका मतलब सबसे पहला रिजल्ट तो आपने ये निकाला कि रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, तो ये आकृति वर्ग नहीं हो सकती, ये आकृति क्या है, आयत। तो जब अब आपका जो प्रश्न है वो ये हो गया कि आयत में वर्गों की संख्या क्या होगी। जब किसी आयत में हमें वर्गों की संख्या निकालनी हो तो हम उस कॉन्सेप्ट को कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए, आप कुछ मत गिनिए, दोनों तरफ की सबसे बड़ी संख्याओं को लीजिए, दोनों तरफ की सबसे बड़ी संख्याओं को लीजिए, उनका परस्पर गुणा करना शुरू करिए। एक तरफ की सबसे बड़ी संख्या 8 है और दूसरी तरफ की सबसे बड़ी संख्या 5 है, बस अब इस आकृति की कोई जरूरत, एक एक कम करते हुए नीचे आइए, ये 7 कर दीजिए इसको 4 कर दीजिए, ये 6 कर दीजिए इसको 3 कर दीजिए, ये 5 कर दीजिए इसको 2 कर दीजिए, और ये 4 कर दीजिए और इसको 1 कर दीजिए। जैसे भी किसी भी साइड 1 आ जाए आप रुक जाइए, जैसे किसी भी साइड एक आ जाए आप रुक जाइए, जैसे यहां पर एक आ गया और आप इन सबको जोड़ दीजिए, कितना हुआ इनका सम, 40, और सर चौको बताओ कितना हुआ, 28, और 6 कितना हुआ, 18, और 5 दूनी 10, और 4 एकम 4। अगर हम इन सबको यहां पर जोड़ दें तो आप बताइए 8 8 16 और 4 20 की 0 कितना बचा, 2, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। और से देखिए 4 2 6 2 8 और 2 10 टोटल कितना हो गया, 100। तो इस आयत में वर्गों की संख्या कितनी हो गई बताइए, 100 हो गई। हमें क्या करना है, दोनों तरफ की सबसे बड़ी संख्याओं को क्या कर देना है, जोड़ देना। अगर इसी आकृति को और तरीके से दिखाया जाए कैसे, जैसे मान लीजिए लैंग्वेज में सवाल पूछा जाए, एक चौकोर आकृति में मान लीजिए हम बोल दें एक चौकोर आकृति में 9 क्षैतिज रेखाओं को और 6 लंबवत रेखाओं को आपस में इस प्रकार संयोजित किया गया है कि उनके परस्पर सहयोग से बनने वाली प्रत्येक आकृति वर्ग या आयत के रूप में दिखाई देती है। ऐसी आभासी आकृति में कुल वर्गों की संख्या क्या होगी, तो अगर संख्याएं बराबर है, रेखाओं की संख्याएं बराबर है, जैसे कहा गया 6 लंबवत 6 क्षैतिज
तो वर्ग होगा। अगर लेखाओं की संख्या बराबर नहीं है, जैसे कहा गया 9 लंबवत 6 क्षैतिज, तो क्या होगा? आयत होगा। क्लियर? तो आयत में वर्ग जब हमें निकालना है तो हम इस तरीके से निकालते हैं। एक सवाल को आपके सामने रखता हूं, बताइए इसका उत्तर आप तेजी से करिए। चलिए, अगर मैं इस आकृति को आपको दिखाऊं तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5, उत्तर करना शुरू करिए 3 4, तो ये तो क्लियर हो गया कि बताओ क्या है? आयत। अब क्योंकि रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, अब दी हुई आकृति अगर आयत है तो हम आयत को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें ये हमें देखना है। तो मैंने आपको बताया है क्या करना है, बताइए। अभी कुछ लोग देखिए उत्तर करने लगे हैं, जल्दी से उत्तर करें। तो आप कहेंगे सर दोनों तरफ की सबसे बड़ी संख्याओं को लेना है और फिर एक एक कम करते हुए नीचे आना है, तो 5 × 4, अब बताइए क्या होगा? 4 × 3, अब बताइए क्या होगा? 3 × 2, और फिर क्या होगा बताओ? 2 × 1। अब जैसे ही किसी भी तरफ एक आ जाए हमें क्या कर देना है? रुक देना है। तो यहां पे 5 को कितना हो गया बताओ? 20। 4 3 कितना हो गया? 12। 3 2 कितना हो गया? 6 और 2 एकम 2। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो 6 2 8 2 10 की 0 कितना बचा बताओ? 1। अब बताओ 2 1 3 और 1 4 40। तो इस आयत में कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी बताओ? 40। तो आपका उत्तर कितना होगा? 40 होगा। इसी प्रकार समांतर रेखाओं के युग्म से भी क्वेश्चन बनते हैं, आयतों की संख्या से भी बनते हैं, क्यूब्स को गिनने से भी क्वेश्चन बनते हैं 3D आकृति में, वो सब भी हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट में 2 आकृतियां इकट्ठी हो गई, तो हम उन प्रश्नों को कैसे हल करें? तो देखिए, जब 2 आकृतियां इकट्ठी होती हैं, मैं कुछ बातें आज आपको क्लियर करूं। जैसे सपोज करिए ये आकृति है एक, तो आप जानते हैं, और ये आकृति है एक, मैंने दोनों ही आपको बताया, तो आप कहते हैं सर इसमें केंद्र से जाने वाली रेखाओं की 2 गुनी होंगी, तो 8 रेखाएं जा रहे हैं तो 16, और इसमें आप कहेंगे सर हमें सेगमेंट जोड़ना है तो 2 और 1 इसमें कितने होंगे? 3। ये दोनों इंडिविजुअल आकृतियां थी। इस समय जो पेपर पैटर्न चल रहा है वो पेपर पैटर्न ये चल रहा है कि अलग अलग आकृतियों को ना लेके हम उन आकृतियों को क्या करते हैं? इकट्ठा कर देते हैं। जैसे सपोज करिए ये आपका ये अलग अलग ट्राइंगल है, हमने क्या किया इस सेपरेट ट्राइंगल को यहां ना रख के हमने सेपरेट ट्राइंगल को इसी आकृति में जोड़ दिया। जैसे हमने सेपरेट ट्रायंगल को इसी आकृति में जोड़ा, अब इसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी गौर से समझिए आप। जैसे आप कहेंगे सर 16 इसके हैं और 3 इसके हैं, ये तो है ही हैं, लेकिन जब मैंने आपको पिछली क्लास ली थी तो मैंने बताया था कि 2 आकृतियां जब मिलती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं बताइए? जंक्शन इंपैक्ट। और जैसे जंक्शन इंपैक्ट बनता है वो कुछ नए ट्राइंगल्स हम लोगों को जरूर देता है यहां पर। तो देखिए जैसे ये 2 आकृतियां परस्पर मिली, अब इन दोनों आकृतियों के मिलने से ये दोनों ट्राइंगल्स आपके और बन गए जो इससे पहले नहीं थे। तो 3 तो ये थे, इसमें 2 और जुड़ गए तो कितने हो गए बताओ? 5। अगर ये 3 और 2 5 हो गए, तो अब अगर हम इसमें जोड़े तो 16 5 कितने हो गए? 21। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस आकृति में कितने हो जाएंगे बताइए? 21 हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। तो अब हमें देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें ये याद रखना है कि जब कोई ऐसी आकृति इस आकृति से जुड़े तो 3 और 2 हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम सीधे कॉमन सेंस लगाएंगे कितने हो गए बताइए? 5 ट्राइंगल होगा। जैसे सपोज करिए हम एक इस आकृति को भी यहां पर ऐसे जोड़ दें, सपोज करिए, तो अब आप कहेंगे सर अगर ये आकृति यहां जुड़ी है तो सीधे यहां पे कितने जुड़ेंगे बताओ? 5 जुड़ जाएंगे। तो अगर ये 5 जुड़ गया बताइए तो कितना हो गया? तो आप सीधे कह देंगे सर कि यहां पर 5 वो हैं और 5 ये हैं, तो 5 और 5 कितने हो गए बताओ? 10। और 10 और 16 कितने हो गए? 26। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? 26। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपको कराऊंगा। जैसे सपोज करिए, चलिए अभी सीट सॉल्व कराऊंगा, अभी तो बेसिक है। जैसे ये ट्रायंगल आपसे RI रिवेन्यू इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया, इस ट्रायंगल की प्रकृति कुछ ऐसी थी, बेसिक कॉन्सेप्ट से अलग नहीं था, ये ट्रायंगल था। अब आपसे पूछ लिया इस आकृति में कितने होंगे, तो देखिए बेसिक बात है जब हम अलग अलग ट्राइंगल कर चुके हैं तो हम सेगमेंट वाइज गिन लेंगे। जैसे हमने कहा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो पहले तो इन सबको जोड़ लीजिए, तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 इसके हो गए, 10 इसके हो गए, 10 इसके हो गए। अब
एक ये हो गया जो अंदर वाला है, और ये एक गौर से देखिए तीनों से मिलके जो बाहर के बाहर बन रहा है, ये तीनों से मिलके संयुक्त है, एक आपका ये हो गया। अगर हम सबको जोड़ दें तो यहां पे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 32। क्योंकि ये तो हमारा कॉन्सेप्ट ही था और कुछ यहां पे बेसिक डायरेक्शंस हमको देखने थे, तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 32। ऐसे बहुत सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं, क्लियर, जो मैंने अभी आपको क्लियर कर रहा हूं, अभी मैं सीट में भी क्लियर करूंगा। जैसे सपोज करिए एक मैं एक ट्राइंगल आपको और सिखा चुका हूं, ये भी आपका यूपीएसआई का प्रश्न है, यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जंक्शन इंपैक्ट याद आ रहा है आप लोगों को, इसका उत्तर मैंने आपको बताया था दो पिछले बारे वाली लेक्चर में, याद है। अब जितने देखिए जंक्शन इंपैक्ट है उनके कितने होंगे, दो होंगे, याद करिए, इसका कितना 8, इसका 8, इसका 8 और इसका 8, और इसके कितने होंगे 2, 2 और 2, सीधे गिन लीजिए, हमें गिनने की जरूरत ही नहीं है। तो 8 चौक 32 और 32 और 6 कितने हो गए, 38। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, 38 हो जाएगी। अब देखिए ये दो क्यों लिए, गौर से देखिए, क्योंकि जब दो आकृतियां परस्पर मिलती हैं तो 8 और 8 इसके तो थे, लेकिन इन दोनों आकृतियों के मिलने से एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल नया बन गया जो इससे पहले नहीं था, इसलिए इस दो को हम लोग यहां पर काउंट करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं बताइए, जंक्शन इंपैक्ट। और एक जंक्शन इंपैक्ट कितने नए ट्राइंगल देता है, 2 नए ट्राइंगल देता है, यहां पर यह प्रक्रिया आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए मेरे बाद संदीप सर की क्लास है, क्लियर है, थोड़ी देर बाद संदीप सर भी आपकी क्लास में आएंगे, तो कल मैं और कुछ बेहतरीन आकृतियों के साथ डिजिटल बोर्ड पर आपको बताऊंगा क्यूब्स की संख्या को कैसे गिनते हैं, वृत्तों की संख्या को कैसे गिनते हैं, समांतर रेखाओं के युग्म कैसे होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करूंगा, क्लियर। धीरे धीरे बैच मैंने कहा कि जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है वो लोग आज से ही अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दें, लगातार हम लोग आपको कुछ ना कुछ बता ही रहे हैं। 3 या 4 तारीख तक सबको जोड़ने की प्रक्रिया चालू है, सबको धीरे धीरे जोड़ लिया जाएगा, सभी विषय विशेषज्ञ धीरे धीरे आपके सामने होंगे, प्रीवियस की प्रक्रियाएं खुली हुई हैं, डिटेल्स नीचे सर्कुलेट हो रहे हैं, पूरी सबसे शानदार टीम आपके सामने है आपके सपनों को पंख देने के लिए, कतई देर मत करिए। तो मेरे मुझे आज इजाजत दीजिए, कल और कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा, कल जितना भी टॉपिक होगा कल की क्लास में आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और परसों से कुछ और बेहतरीन टॉपिक आप लोगों को उठाऊंगा। लीगल एप्टीट्यूड सामान्य मानसिक अभिरुचि में भी आपको बताता हूं कितना जादुई तरीके से देखिए उसकी पढ़ाई होती है, जो लीगल रीजनिंग है, जो लीगल एप्टीट्यूड का हिस्सा है, जहां से 8 प्रश्न आपके यूपीएसआई में सीधे रीजनिंग के सेगमेंट से बनते हैं। अगर रीजनिंग और करंट के प्रश्नों की संख्या को देखें तो 40 प्रश्न तो आपके वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल से बनते हैं, प्लस 10 प्रश्न आपके लीगल एप्टीट्यूड से बनते हैं, और प्लस अगर हम लोग देखें तो लगभग 15 से 20 प्रश्न आपके कहां से बनते हैं, करंट से बनते हैं, क्लियर। तो लगभग 70 प्रश्न का हिस्सा मेरा है, और ये हम लोग एकदम जादुई तरीके से हंसते खेलते तैयार कर लेंगे, ना तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको महसूस होगा, ना तो लीगल एप्टीट्यूड में आपको महसूस होगा, और करंट तो आप तैयार कर ही रहे हैं। तो चलिए इसी सफर में मेरे साथ बने रहिए, जल्दी से प्रक्रियाओं को पूरा करिए, जल्द ही मैं आपके सामने कल फिर आ जाऊंगा। अगली आवाज संदीप भाई की है, और संदीप भाई अब आपके सामने आ रहे हैं, आप मैथ का भी लुत्फ लीजिए, 9 बजे की क्लास अब मैथ और रीजनिंग को समर्पित है, आप लोग मैथ और रीजनिंग के लिए डेली 9 बजे तैयार रहा करिएगा, धीरे धीरे इसकी हम टाइमिंग को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच संदीप भाई। नमस्कार, टारगेट बिथालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं संदीप तिवारी, यूपीएसआई की स्टार्ट की गई बैच में मैथ्स की अगली श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैथ्स में हम लगातार 3 वीडियोस के माध्यम से आपने बेसिक अप्रोचेस को अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से देखने की कोशिश करी। मैं आपको फिर से एक बार निर्देशित करूँगा कि वह एक कंप्लीट चैप्टर नहीं है, ना तो कोई कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, बस एक अप्रोच प्रेजेंटेशन वे है जिसके थ्रू आपको चीज़ों को समझाया जा रहा है कि आपके सामने किस प्रकार के कंडीशंस आएंगे उन चैप्टर्स के, और उसको प्रेजेंटेशन कैसे होगा इन्हीं सारी बातों पर, क्योंकि आपको पता है कि एक श्रृंखला के थ्रू ही एक किसी एक चैप्टर को फिनिश करने में समय लगता है। आपको हर चैप्टर्स के लिए एक डिसाइडेड टाइम होता है, उतने समय में उसकी पूरी कॉन्सेप्ट को और उसकी पूरी प्रैक्टिस को कम्प्लीट कराई जाती है। हम अलग अलग दिनों में अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम से अलग अलग अप्रोच को ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जैसे अभी पिछले लेक्चर्स में आपको यूनिट डिजिट पर डिस्कशन किया, इकाई के अंकों को ज्ञात करने का तरीका बताया, उसकी भी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। आज हम जैसे एक और नंबर सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को कंप्लीट करने चाह रहे हैं आपसे, और मुझे आशा है कि यह सेशन आपके लिए सफिशियंट होगा। अगर हम प्रैक्टिस को थोड़ा सा इन्वॉल्व इसके साथ कर लेंगे तो काफ़ी सफिशियंट होगा, जैसे यूनिट डिजिट भी आपके लिए सफिशियंट है अगर हम लोग जो है उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो, क्योंकि अप्रोच तो सारा आपको बताया गया है।
इसी प्रकार से एक और टॉपिक होता है नंबर सिस्टम का ही, ट्रेलिंग विद जीरो। ये ट्रेलिंग विद जीरो का अप्रोच आपको समझाएंगे और सारी बातें आपको अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। ट्रेलिंग विद जीरो, इसको हम हिंदी में जैसे अगर हम आपसे बात करें तो कहते हैं कि अंत से शून्यों की संख्या गिनना, अंत से शून्यों की संख्या गिनना। अब आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, एसआई से रिलेटेड या यूपीएसआई से रिलेटेड, बिहार एसआई से रिलेटेड या किसी भी एक दूसरी परीक्षा से रिलेटेड, आपको अंतिम से शून्यों की संख्या गिनने पर आधारित प्रश्न जरूर मिलेंगे। किसी भी किताब को उठाकर देखिए तो आपको उससे रिलेटेड प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो अभ्यास के लिए भी रिक्वायर्ड है, आपके एग्जाम्स के परिप्रेक्ष्य से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हमारा कन्फ्यूजन भी बहुत सारा रहता है कि हम लोग जैसे छोटे छोटे इन्हीं सारी चीज़ों को जो कि जनरल लेवल की मैथमेटिक्स में नहीं बनती है, हम लोग इग्नोर करके चलते हैं और यहीं से मात खाते हैं। तो अगर हमारा अप्रोच यहाँ पे काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होगा और स्ट्रांग होगा तो हम लोग बेहतर तरीके से इन तरह के टॉपिक पे अपना जो है रवैया, अपना प्रेजेंटेशंस दिखा सकेंगे। तो हम आपको शून्य की संख्या गिनने की बात कर रहे हैं। जैसे अगर कोई संख्या दी गई है तो संख्या के अंत में कितने शून्य हैं तो इसको बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। शून्य है तो आप सीधे से सीधे काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर शून्य को हम लोग जो है ऐसी संख्याओं या ऐसे संख्या समूहों से काउंट करने की कोशिश करें जो कि एक ऑपरेशन से संबंधित हो, जैसे किसी गुणे के अंतर्गत कुछ नंबर्स आपको दिए गए हों और अधिकतर प्रश्न आपके गुणे से संबंधित ही आएंगे। तो गुणे से संबंधित हमारे पास कोई एक क्वेश्चन दिया गया है और उस पर आपसे कहा जा रहा है कि शून्यों की संख्या गिनिए, अंत में कितने शून्य है गिनिए। एक छोटा सा नंबर अगर हम आपको दें और आपसे हम कहें कि भैया 32 है गुणे 1000 है, आपसे कोई पूछे कि इसके अंत में कितने शून्य हैं तो आप कहेंगे सर 3 शून्य हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि इसका गुणनफल जब होगा तो अंतिम में 3 शून्य आएगा और शून्यों की संख्या आप आराम से गिन पाएंगे। लेकिन अगर यही 32 है गुणे 25 है और हम आपसे पूछे कि जब इसका गुणा किया जाएगा तो बताइए शून्य कितनी बार आएगा, इसके अंत में कितनी बार शून्य आएगा। तो इसको पता करने का सिस्टम है, या तो आप मल्टीप्लाई करिए, बट ये संभव नहीं कि आप एक छोटे से नंबर को भले यहाँ कंसीडर करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जब यही नंबर एक मल्टीप्लिकेशन किसी एक श्रृंखला की होगी, क्योंकि एक बहुत बड़े सीक्वेंस की होगी, तो उस समय यह बहुत बड़ा टास्क आपके लिए माना जाएगा और आप आसानी से नहीं बता सकते हैं। आसानी से मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई करके नहीं सोच पाते हैं। जैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन करके भी करा जा सकता है, लेकिन हम डायरेक्टली आपको बताने का कराने का सिस्टम समझते हैं कि कैसे किया जाता है। तो इसके लिए कुछ नोट आपको दिमाग में रखते हैं, फिर इसी बात पे हम आकर के आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम किसी मल्टीप्लिकेशन में गुणनफल में हम शून्य की संख्या को हम कैसे पाते हैं, मतलब शून्य कब आता है उसकी बात किया जाए। मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत अगर हम शून्य की बात करें, किसी भी मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत अगर हम लोग ये सोचें, ये निकालना चाहें कि इसके अंत में कितने शून्य आएंगे, शून्यों की संख्या अगर हम गिनना चाहें, तो पहले ये चीज़ डिसाइड करना ज़रूरी होगा कि शून्य आएगा कब। तो मैं आपको बता दूँ, शून्य तभी आएगा जब गुणनखंड में, जब उन संख्याओं के गुणनखंड में 2 और 5 का प्रयोग होगा, 2 और 5 का प्रयोग किया जाएगा। मतलब एक तरह से अगर ऐसे कह दें प्रयोग होगा, एक तरह से ऐसे हम कह दें कि अगर हमारे पास कोई एक गुणनफल दिया गया है किसी संख्या समूह का और ऐसे स्थिति में हमसे कहा जा रहा है कि इसके गुणनफल में कितने शून्य आएंगे, यह आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा शून्य आएगा कि नहीं आएगा। शून्य आने की स्थिति तभी होती है जब उनके गुणनफल में 2 और 5 का प्रयोग एज ए गुणनखंड किया गया हो, मतलब वो एज ए फैक्टर काम कर रहे हो। और काम करने का मतलब जैसे 2 अपने ही घात के ऊपर, अपने के ही ऊपर कुछ घातों को बढ़ाता चला जाए, जैसे 2 की पावर अगर हम 2 लगा दें, 2 की पावर 3 लगा दें, 2 की पावर 4 लगा दें, मतलब केवल 2 ही ना रहे, 2 से रिलेटेड जो भी घातों से आधारित संख्या रहे उनका कहीं भी प्रयोग किया गया हो, और साथ में 5 का प्रयोग 5 की पावर 1 हो, 5 की पावर 2 हो, 5 की पावर 3 हो, 5 की पावर 4 हो, इस प्रकार से यहाँ पे इनका कम्बिनेशन हो। तो कहने का मतलब जब तक 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन में यूज नहीं किया जाएगा, तब तक फिलहाल शून्य नहीं आएगा। शून्य तभी आएगा जब गुणनखंड में 2 और 5 का प्रयोग होगा, मतलब किसी भी गुणनफल में जब तक 2 और 5 नहीं होगा तब तक शून्य नहीं आएगा। जैसे मैं आपसे कह दूँ 13 गुणे 35 है, बताइए इनके गुणनफल में शून्य आएगा, तो आप कह सकते हैं सर नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने कहा यही 25 गुणे 25 है तो भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 2 और 5 दोनों नहीं है, दोनों का होना अनिवार्य है। अब मैं आपसे कह दूं कि 25 है और 32 है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, तो आप कह देंगे सर यह शून्य आएगा। अब प्रश्न यहाँ बनता है, पहली चीज तो शून्य क्यों आया, क्योंकि इस 25 को हम कह सकते हैं 5 की पावर 2 है, जबकि इस 32 को कह सकते हैं हम 2 की पावर 5 है।
मतलब दो का भी प्रयोग किया गया है और पांच का भी प्रयोग किया गया है। जब गुणनखंड के रूप में दो और पांच दोनों का प्रयोग किया जा रहा है तो इस बात की सियोरिटी बन गई कि इसके अंत में शून्य जरूर आएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि शून्य कितनी बार आएगा, प्रश्न यह बनता है कि अंत में शून्य जो है वो कितनी बार आएगा, शून्य कितनी बार आएगा। तो हम आपको बता दें शून्य कितनी बार आएगा, तो शून्य जो है आने का जो कॉन्सेप्ट है शून्य के वह डिपेंड करेगा दो और पांच के जोड़ों पर। तो हम यहां पर आपसे बताएंगे दो और पांच के जितने, दो और पांच के जितने जोड़े, जोड़े का मतलब पेयर्स होता है, जितने जोड़े संभव होंगे, पेयर्स होंगे, उतनी बार शून्य आएगा, उतनी बार शून्य आएगा। आपको मैंने जो बातें बताई ये थोड़ा सा गंभीरता से इसको जो फोकस करिएगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिस में सारी चीज़ें आपको और आसान लगने लगेंगी। हमने एक दो शब्द यहाँ पर लिख करके भी दिखा दिया, बातें भी बता दी हमने आपको। दूसरी बात जो आपसे बताई कि शून्य की संख्या अगर मुझे गिननी है तो मुझे दो और पाँच के जोड़ों को गिनना पड़ेगा, कितने दो और पाँच के जोड़े आ रहे हैं उतनी ही बार किसी भी गुणनफल में, गुणनफल के अंत में शून्य आएगा। अब जैसे आप पहली चीज़ें डिसाइड कर दी, एक दो और पाँच एज ए गुणनखंड है तभी शून्य आएगा, और दो और पांच के शून्यों की संख्या अगर मुझे, सॉरी दो उस गुणनफल के शून्यों की संख्या अगर मुझे गिननी है तो मुझे दो और पांच के जोड़े बनाने पड़ेंगे, जितने जोड़े संभव होंगे उतनी ही बार शून्य आएगा। जैसे अभी आपने एक नंबर यूज किया, आपने कहा कि हम यूज कर रहे हैं 35, 32 और हमने 25 का प्रयोग किया, और मैं चाहता हूँ कि इसमें आप हमें बताइए कि अंत में शून्य कितनी बार होगा। तो अंत में शून्य की संख्या अगर मुझे गिननी है तो मैं यहाँ पर गुणनफल नहीं करने जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर मुझे पता है कि यह 2 की पावर 5 होता है या 5 की पावर 2 होता है। बात अगर जोड़ों की अगर हम करेंगे तो जोड़े आप ऐसे बनाएंगे, आप 2 को 5 बार लिखेंगे। आप सबको घात और आधार का प्रयोग पता होगा कि अगर 2 की पावर 5 लिखा है तो यह हमसे कह रहा है 2 को 5 बार गुणा करो, 5 की पावर अगर 2 लिखा है तो 5 को हम 2 बार गुणा करें। मतलब एक प्रकार के 2 5 लोग हैं, एक प्रकार के 2 लोग हैं। जोड़े बनाएंगे तो 1 जोड़ा और 2 जोड़ा, 2 ही जोड़े बने हमारे पास, 2 जोड़े बने, अर्थात इसके गुणनफल में 2 बार शून्य आएगा, इसके गुणनफल के अंत में 2 बार क्या आएगा, शून्य आएगा। तो इस प्रकार से अगर कोई भी नंबर हम यूज करें तो आपको ये बातें समझ में आई होगी, क्योंकि जोड़े 2 संभव थे इसलिए यहाँ पर उसके अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो केवल और केवल 2 बार होगी, मतलब 2 शून्य यहाँ पर अंत में उस संख्या के, उस मल्टीप्लीकेशन के अंत में आएंगे। आप और कोई नंबर उठाइए, हमने यहाँ पर जैसे एक संख्या समूह और यूज किया और मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको दिया, हमने कहा आपके सामने 25 है 35 है 28 है 16 है और 125 है, या हम कह दें 125 लिखिए। अब आपसे हमसे पूछा जाए कि आप मुझे बताइए इसके अंत में कितनी बार शून्य आएगी, अंत में शून्य की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, अंत में शून्यों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है कितनी बार शून्य आएगी। जैसे इस गुणनफल को हम नॉर्मली नोटिस करेंगे और हम आपसे कहेंगे कि आप देखिए और मुझे बताइए देख करके, काउंट करके कितनी बार यहाँ पर शून्य का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम 5 25 की बात करें तो आप सबको अच्छी तरह से पता है 25 मतलब 5 की पावर 2, अर्थात 5 का प्रयोग 2 बार किया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो 5 की पावर 1 है तो 5 का प्रयोग केवल 1 बार किया गया है। दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पर 28 को देखेंगे तो आपको पता है 2 की पावर 4 होगा, 2 की पावर 2 मतलब 4 होगा, गुणे 7 होगा, मतलब 2 का प्रयोग 2 बार किया गया है। आपको ये भी पता है कि 2 की पावर 4 है तो 2 का प्रयोग 4 बार किया गया है, जबकि इसकी बात अगर देखा जाए तो 5 की पावर 3 होगा, 5 का प्रयोग 3 बार किया गया है। अगर मैं यहाँ पर नोटिस करूँ कि 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है तो आप मुझे यहाँ पर काउंट करके बता सकते हैं, 2 की संख्या अगर मुझे गिननी है ऊपर से तो 2 यहाँ पर 2 बार 4 बार, तो मतलब 2 की संख्या 2 4 6 बार है। अगर 2 को हम नोटिस करें तो 2 यहाँ पर 1 जगह पर 2 बार, दूसरी जगह 4 बार, तो 2 का जो हम काउंटिंग करेंगे तो 2 6 बार आपको नजर आएगा। जबकि अगर हम 5 की बात करेंगे तो 2 बार और 1 बार 3 बार हो गया, 3 6 बार हो गया। तो मतलब अगर देखा तो हमने 2 भी आपके सामने 6 बार आया है, 5 भी आपके सामने 6 बार आया है। आप फिर से एक बार देखिए, जैसे 2 देखिए 2 और 4 मिलके 6, 5 की बात करिए तो 2 और 1 3, 3 3 आपके सामने 6, 2 भी अगर 6 बार है, 5 भी अगर 6 बार है तो आप कह दीजिए इसके अंत में शून्य 6 बार आएगा। अगर आप गुणनफल करके देखिएगा तो शून्य आपको दिखेगा कि शून्य हमारे यहाँ पर इस गुणनफल के अंत में 6 बार शून्य आएगा। तो 6 बार यहाँ पर शून्य को नोटिस किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ
इस प्रकार का प्रश्न बहुत कम बनता है। इसमें एक बहुत बड़ी श्रृंखला दी जाती है, उस श्रृंखला पर आधारित हम लोग यहाँ पर प्रश्न को फोकस करते हैं। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि जनरल प्रश्न कैसे बनेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से बना, आपको इसने कहा कि एक गुड़े, दो गुड़े, तीन गुड़े, चार गुड़े, पाँच गुड़े, छः गुड़े, सात गुड़े, आठ गुड़े, नौ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसके अंत में शून्य कितनी बार आएगा। अंत में हमसे शून्य पूछ रहा है कि अंत में शून्य की संख्या मुझे काउंट करके आप बताइए कि शून्य यहाँ पर इसके अंत में कितनी बार आ रहा है। इसको ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान देना होगा भाई, वही चीज जो हमने आपसे कहा है कि आप पता क्या करना चाहते हैं बताइए। आप पता ये करना चाहते हैं कि दो कितनी बार आया और पांच कितनी बार आया। अभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन अभी थोड़ी देर बाद, जैसे अगर अभी तो बहुत छोटा समूह आपको दिया गया है, लेकिन यही समूह अगर 99 तक चला जाए, 999 तक चला जाए, बहुत बड़े कलेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो उस समय हमारे सामने एक एक को कंसिडर करना टफ होता है। लेकिन हम फिर भी आपको दिखाते हैं कि एक एक को अगर कंसिडर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे दो देख रहे हैं एक बार है, यहाँ पे देखा मैंने दो दो बार होगा, यहाँ भी आप नोटिस करेंगे दो गुड़े तीन मतलब दो एक बार होगा, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे दो तीन बार होगा, भाई दो की पावर तीन तो मतलब दो का तीन बार प्रयोग होगा। एक दो तीन, एक चार तीन, सात बार आप देखेंगे तो दो कितनी बार आया, सात बार। और जब पांच की अगर आप बात करोगे तो पांच तो केवल एक बार दिख रहा है, पांच एक बार दिख रहा है। आपने दो देखा यहाँ पर एक बार, यहाँ पर दो बार, यहाँ पर एक, तो मिलके हो गया चार। और जबकि यहाँ पर देखें तीन, तो दो आया सात बार। जबकि अगर पांच की बात करोगे तो पांच यहाँ पर एक बार। अगर हम जोड़ा बनाने चले गए तो जोड़ा जाहिर सी बात पांच एक ही है, तो जोड़ा भी कितना पेयर कितना बनेगा, एक पेयर बनेगा। जब पेयर एक बना तो शून्य की संख्या अंतिम से कितनी हो जाएगी बताइए, एक होगी। एक शून्य आपको अंत में नजर आएगा। अभी थोड़ा सा दिमाग में जैसे बात आई कि अभी तो छोटा कलेक्शन है, हम इसको तो आराम से ज्ञात कर दिए देख करके एक एक सिंगल कंसिडरेशन, जो बात मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे करी, तो मतलब बड़े कलेक्शन को अगर हमें फोकस करना है तो हमें शून्यों की संख्या मतलब यहाँ दो और पांच के अपीयरेंस को अगर हम काउंट करना चाहें कि दो कितनी बार है और पांच कितनी बार है, उसके लिए मुझे एक स्ट्रैटजी अप्लाई करनी पड़ेगी जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। स्ट्रैटजी ये होगी कि आप अगर इस तरह का कोई सिक्वेंस फोकस करिए या पाइए, अंतिम संख्या की तरफ नोटिस करिए, अंतिम संख्या आपको नौ नजर आई, आप उस अंतिम संख्या को जो हमारे सामने यहाँ पर दी गई है, उस अंतिम संख्या को जैसे मुझे दो पता करना है कि दो कितनी बार आएगा, तो उस अंतिम संख्या नौ को दो से डिवाइड करिए, नौ को दो से डिवाइड करिए, बताइए बार कितनी बार गया, चार बार। बार कितना गया, चार बार। उस चार को लाइए फिर दो से डिवाइड करिए, कितना बार गया, चार दो दूना चार, दो बार गया। उस दो को लाइए फिर दो से डिवाइड करिए, दो एक के दो, मतलब ये आपको डिवीजन तब तक परफॉर्म करना है जब तक यह अंतिम वैल्यू डिवीजर मतलब भाजक जिससे भाग दिया जा रहा है उससे कम ना हो जाए। अब यहाँ पर एक हो गया तो भाग प्रक्रिया यहीं पे रोक देंगे। अब अगर आप जोड़ेंगे तो चार दो छः एक सात, तो आपको ये समझ में आ गया कि दो कितनी बार आया है, सात बार आया है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे पाँच का जैसे पता करना है, और मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा कि आपको दो के निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस प्रक्रिया में, आप जैसे नौ को अगर पाँच से भाग देंगे तो पाँच एक के पाँच, पहले ही भागफल में आप देख रहे हैं कि एक बार जा रहा है, अगला भाग यहाँ पर संभव ही नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आप श्योर हो गए इस बात को लेकर के कि यहाँ पर केवल एक बार हमारा पाँच आएगा। तो अब यहीं से आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर हमको जो है ये पता चल गया कि जोड़ा एक ही संभव होगा, क्योंकि पाँच एक बार आ रहा है, दो चाहे जितनी बार आ रहा है उससे हमसे क्या मतलब है। हमसे मतलब केवल जोड़ा बनाने से है। जोड़ा बनाने के लिए रिक्वायर्ड और आपके पास कंपलसरी सिचुएशन होती है कि अगर जिनका जोड़ा बनाया जा रहा है उनमें से जो वैल्यू कम बार आएगी उतने ही जोड़े संभव होंगे, ये बात श्योर है। इसका मतलब जब कभी ऐसी कोई श्रृंखला अप्लाई की जाएगी, ऐसी किसी श्रृंखला को हम फोकस करेंगे, तो ज़्यादा बार हमेशा दो रहेगा, मतलब दो आप देख रहे हैं हर दो के बाद दो आ रहा है, जबकि पांच हमेशा कम बार रहेगा। आप इस बात पे श्योर हैं कि पांच हमेशा क्या होगा, कम बार होगा। पांच हमेशा कम बार होगा और दो हमेशा ज्यादा बार होगा। क्यों ज्यादा बार होगा और क्यों कम बार होगा, इस बात को आप खुद नोटिस कर सकते हैं। भाई हर दो दो नंबर के बाद दो आ रहा है, जबकि हर पांच नंबर के बाद पांच आ रहा है, इसका मतलब पांच की जो काउंटिंग होगी हमेशा कम होगी। और जोड़े के लिए जो सबसे कम है वही रिस्पॉन्सिबल है, वही जिम्मेदार है। जितने कम लोग हैं, जो वैल्यू ज्यादा, जो वैल्यू सबसे कम बार है, उतने ही जोड़े उस श्रृंखला में, उस समूह में संभव होंगे। इसलिए आपको दो को पता करने की आवश्यकता ही नहीं है।
आपको ऐसा कोई समूह मिलता है तो आप दो बिल्कुल मत निकालिए, केवल पांच को उठाइए, पांच से ही नोटिस करके आप बता सकते हैं कि यहां पर कितने जोड़े संभव होंगे, क्योंकि जितनी बार पांच आएगा इस प्रकार की कोई मैथमेटिकल श्रृंखला बनती है आपके सामने, तो आप तुरंत बताइए जितनी बार पांच आएगा उतने ही जोड़े संभव होंगे। बात हमारी समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए, तो अब अगर ऐसी कोई श्रृंखला हम आपको दें, जैसे हम आपसे कहें हैं कि एक गुड़े, दो गुड़े, तीन गुड़े, चार गुड़े, और यह श्रृंखला हमारी पहुंच गई 99 तक, और हम आपसे पूछे कि आप मुझे लोग बताइए इस श्रृंखला में शून्य कितनी बार आएगा। अब शून्य लाने के लिए हमको फिर इसमें पता करना पड़ेगा कि पांच कितनी बार होगा, या पांच को हम लोग यहां पर सोचें कि पांच का प्रयोग इस गुणनखंड में कितनी बार किया जाएगा। इसके लिए मैंने अभी जो जो बातें आपसे करी उसी को अगर आप फोकस करें होंगे तो आप 99 को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल पांच से भाग दीजिए। 99 को दो से देने की जरूरत नहीं, मतलब दो डिसाइड करने की नीड ही नहीं है, आपको पांच से भाग देने की जरूरत है। तो 19 × 5 = 95 होता है, 19 बार गया। 19 को पकड़िए और फिर इसको पांच से भाग दीजिए, तो 5 × 3 = 15 तीन बार गया। अब आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि 3 जो है 5 से छोटा हो गया। 19 और 3 को जोड़ देंगे तो हम आपसे यही बताएंगे भाई कि यहां पर इस गुणनफल में 22 बार शून्य आएगा, इस गुणनफल में 22 बार शून्य आएगा। यह बात आपको समझ में आई होगी। अब इस तरह से अगर कितना बड़ा कलेक्शन उठा लें, कितनी बड़ी श्रृंखला हम उठा लें, हमको कोई समस्या नहीं होगी, हम लोग आराम से बता सकते हैं। जैसे आपसे एक आग और हम लोग कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कर दें यहाँ पर, जैसे थोड़ा सा आप अपने आप को बेहतर फील करें कि आप बता सकें कि यहाँ पर इस गुणनफल में शून्य कितनी बार आएगा, इस गुणनफल के अंत में शून्य कितनी बार आएगा, जबकि ये संख्या आप दिख रहा है आपको 1320 है। अब आपको फिर वही प्रक्रिया अप्लाई करनी है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि आप 1320 को 5 से भाग दीजिए, 5 × 2 = 10 होता है, 3 × 2 = 5 = 30 होता है, 5 × 4 = 20 होता है। आप इस मल्टीप्लिकेशन, इस डिवीजन को अच्छी तरह से फोकस करिएगा। 264 को फिर आप 5 से भाग देंगे तो 5 × 5 = 25 होता है, 5 × 2 = 10, क्योंकि 14 बनेगा, तो 14 में हम जैसे भाग दे रहे हैं, आप भी अपनी कॉपी पे अपने से आप खुद भाग दे करके डिसाइड कर सकते हैं। फिर 52 बना, 52 को हम फिर 5 से भाग देंगे तो आपको पता है 10 बार जाएगा, 10 को फिर 5 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, आगे संभव नहीं है। एक इस भाग को हम फिर से रिवाइज कर दें क्योंकि इन्हीं में गलती होती है, मेथड सब कुछ समझ गए, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में अगर हम लोग फंस जाएंगे तो समस्या बन जाती है। 5 दो बार जाएगा, 3 बचेगा 2, तो 5 × 6 = 30 होगा, 2 × 0 = 5 × 4 = 20, तो 264 परफेक्ट है। 264 को 5 से भाग दिया तो 5 × 5 = 25, 1 और 4 मिलकर 14 हो रहा है, लेकिन हमको पता है कि हम 5 × 2 = 10 ही कर पाएंगे। 52 को लाए, 5 से भाग दिया तो 5 × 10 = 50 होता है, 50 होता है। 10 को फिर 5 से भाग दिया तो हमको पता चला 2 आएगा। जोड़ दीजिए प्रत्येक को, जैसे 64 है मेरे सामने और यहाँ पर 54, 54 × 10 फिर से 64, तो हमारे ख्याल से 328 हो जाएगा। आप इसको जोड़ सकते हैं, देखिए एक बार, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 8, 5 × 1 = 6, 6 × 6 = 12, 2 × 1 = 3, 328 बार। तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें 328 बार यहाँ पर इस मल्टीप्लिकेशन में शून्य आएगा, 328 बार शून्य आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा हम कैटेगरी जैसे चेंज करेंगे, चेंज करने की स्थिति आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे हम आपको कहें कि 12 × 13 × 14 × 15 × 16 एक कलेक्शन है और आपसे पूछा जा रहा है कि शून्य कितनी बार आएगा, आप कहोगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, शून्य अगर हमसे संख्या पूछी जा रही है अंत में, तो आपको लग रहा है कि श्रृंखला बड़ी छोटी है, और अगर श्रृंखला बड़ी छोटी है तो हम एक एक को कंसीडर कर सकते कि एकाक प्रश्न मतलब ऐसे बनते हैं जिसमें बीच का टर्म यूज किया जाता है, जब बीच का टर्म प्रयोग किया जाएगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कंफ्यूजन पिछले तरह से जो अभी हमने डिस्कस किया उससे चेंज होगा, स्थिति थोड़ी सी बदली। अब हम यहाँ पर अभी श्रृंखला फिर भी बहुत छोटी ले रहे हैं, लेकिन यह श्रृंखला भी बहुत बड़ी सोची जा सकती है, इतनी बड़ी सोची जा सकती है, एक सिंगल टर्म सोच ही नहीं सकते हम लोग ऐसी स्थिति में। जैसे इसमें तो सिंगल के बारे में बात कर सकते हैं, आप 2 को पता करने की बजाय 5 को करिए, क्योंकि आपको पता है 5 कम बार होगा, 5 हमने देखा तो केवल 1 बार है, आपने यहाँ पर 5 की बात करी तो 5 एक बार होगा, 5 × 3 = 15, बाकी कहीं आपको 5 नजर नहीं आ रहा है, तो हम श्योर हो गए कि शून्य जो होगा वो केवल और केवल 1 बार आएगा, शून्य कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। लेकिन ये कन्फ्यूजन तब बढ़ जाएगा जब यह श्रृंखला जैसे 13 × 14 × ऐसे बढ़ता गया, 135 तक चला गया, अब वहाँ आप सिंगल कंसिडर नहीं कर सकते हैं और पिछले नियम को भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उसका सिस्टम आपको थोड़ी देर में सबको समझा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाकर जुड़े रहिए साथ में, हर बात आपको स्पष्ट हो जाएगी, आप इस तरह के प्रश्न करना सीख लेंगे, सारी बातें आपको क्लियर होगी। चलिए बताइए,
इसको करने का एक सिस्टम हम ऐसे कुछ अप्लाई करें, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी श्रृंखला शुरू 12 से हो रही है, हम इसको छोटा सा प्रश्न बांध करके यहाँ पे समझाने का अप्रोच दिखाएंगे, फिर बड़ा प्रश्न इस पे करके दिखाएंगे। 12×13×14×15×16 मेरे पास यह श्रृंखला दी गई है, जबकि जो पिछले नियम, जैसे अगर हम यहाँ से 2 और 5 की संख्या गिनना चाहें, पता करना चाहें, तो संभव नहीं होगा, क्योंकि श्रृंखला की शुरुआत 1 से नहीं हुई है। श्रृंखला की शुरुआत आप देख रहे हैं 13-12 से हुई है। लेकिन अगर हम रियलाइज करते, मतलब सोचते कि शुरुआत अगर मान लीजिए 1 से हुई होती, शुरुआत अगर 1 से हुई होती, 1×2×3×4×, ऐसे सो मान, तो एक जगह पर यहाँ 11 मिलता, मतलब यह श्रृंखला 1 से लेकर 16 तक सोची जाती, और 1 से लेकर 16 तक सोचने के दौरान हमको पता चलता कि जो ए पद हैं मेरे कलेक्शन में है ही नहीं है, हम 1 से लेकर 11 तक के नंबर्स का यूज कर ही नहीं पा रहे हैं। बस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए हमने 1 से लेकर 11 तक की कनेक्टिविटी दिखाई आपको। इस कनेक्टिविटी के माध्यम से हम अगर एक बार 1 से लेकर के 16 तक के 5 की संख्या गिन लें, और 1 से लेकर के हम 11 तक के 1 से लेकर 11 तक की 5 की संख्या गिन लें, और 1 से लेकर 16 तक में आए 5 से 1 से लेकर 11 तक में आए 5 को घटा दें, तो हमको शून्य की संख्या आराम से पता चल जाएगी। इसके लिए आपको 2 पदों को चूज करना है, सबसे अंतिम पद 16 और जिस पद से शुरू हुआ उसके पहले का पद 11। मतलब ध्यान दीजिएगा, आपको इतना लिखने और अपनी कॉपी में बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो इस प्रकार का कलेक्शन जो 20 से पद निकाल कर देगा और एक सिक्वेंशियल अप्रोच देगा आपको, तो आप ये ध्यान रखिएगा सबसे अंतिम पद आप उठाइए 16, और जो जहां से प्रारंभ हो रहा उसके जस्ट बिफोर वाला पद आपको लेना होगा 11। तो 16 को लीजिए और 5 से भाग दीजिए, 16 को आप 5 से भाग दीजिए, तो 5 या 15, तो आपको पता चल गया कि 5 3 बार आया। जबकि अगर 11 को उठाएंगे, तो 11 को अगर हम 5 से भाग देंगे, तो 5×2 = 10, तो आपको पता चला कि 2 बार आया। अब श्योर हो गए, यहाँ 3 बार, यहाँ 5 बार, डिफरेंस कर दीजिए, 3 से 2 को घटा दीजिए, तो आपको पता चल गया होगा 1 बार यहाँ पर, मतलब 1 जोड़ा बनेगा, या 5 की संख्या केवल 1 होगी, अर्थात हम कह सकते हैं केवल 2 और 5 का 1 जोड़ा बनेगा। अगर 1 जोड़ा बनेगा तो स्पष्ट हो गया कि शून्यों की संख्या अंतिम में कितनी रहेगी, केवल 1 रहेगी। आप लोग पहले से भी डिसाइड कर चुके हैं, तो शून्यों की संख्या 1 रहेगी। तो मतलब इस प्रश्न में केवल और केवल इस अंतिम पद को सेलेक्ट करना है और इसके जस्ट बिफोर वाले पद को सेलेक्ट करना है, दोनों को 5 से भाग दे करके 5 की संख्या गिननी है, और गिन करके दोनों का डिफरेंस कर देने से हमको पता चल जाएगा कि शून्य कितनी बार आएगा। चलिए और थोड़ा सा प्रश्न इस पे देख करके अपना हम कमांड और क्लियर करते हैं। जैसे हम आपसे कह दें कि 62×63×64×100 बढ़ते चले गए और यहाँ पर पहुँचे 137। अब आपसे हम पूछें कि सर बताइए सब लोग कि शून्य कितनी बार आएगा। इस अप्रोच को फिर से आप समझने की कोशिश करिएगा। अब जैसे देखिए 137 है, तो 137 आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि 137 अंतिम में यहाँ पर अंतिम पद है, और शुरुआत पद 62 था, तो उसके पहले आपका 61 रहा होगा, तो आपको इन्हीं दोनों को कंसीडर ही करना है। आप 137 को उठाइए 5 से भाग दीजिए, 137 को उठाइए 5 से भाग दीजिए, 5×2 = 10, 3×7 5×7 = 35, दो मतलब उससे बचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब 27 बार गया। 27 को लाइए 5 से भाग दीजिए, 5×5 = 25, 5 को फिर 5 से भाग दे सकते हैं, 5×1 = 5, अब नहीं जाएगा। तो 27×5 = 32, 1×33 यहाँ पर, मतलब 5 की संख्या अगर 1 से प्रारंभ होती तो 33 बार 5 आता। आप एक बार फिर चेक कर लीजिए, 5×2 = 10, 3×7 5×7 = 35, 27 से 5 से डिवाइड करिए, 5×5 = 25, 5 को एक बार फिर करेंगे तो 5×1 = 6, 27 से 33 हो रहा है, 33 बार 5 आएगा अगर 1 से प्रारंभ चीजों को काउंट किया जाएगा। जबकि अगर हम बात 61 की करेंगे, 61 को हम 5 से भाग देंगे तो पता है 12×5 = 60, यहाँ 12 हुआ, 12 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो 5×2 = 10, यहाँ 2 हुआ, और स्पष्ट है कि आगे जाएगा नहीं, यहीं पर रुक जाएगा, तो 12×2 = 14 बार हुआ, 14 बार यहाँ पर 5 आ रहा है। अब आप क्या करिए कि 33 में से 14 अगर घटा दीजिए, 13×4 = 9 होता है, 2×1 = 1 होता है, 19 बार आपको क्लियर हो गया होगा कि शून्य आएगा, 19 बार स्पष्ट है कि यहाँ पर शून्य आएगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। तो शून्यों की संख्या आप स्पष्ट हो गए कि आपके पास यहाँ पर 19। चलिए इस तरह से अगर हम और भी बड़ा प्रश्न उठाएंगे तो आराम से हम कर पाएंगे, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। एक स्थिति में और आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, एक शब्द होता है मैथ का, एक फैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसको आप फैक्टोरियल कहते हैं, फैक्टोरियल को हम हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं।
अब आप क्रमगुणित के बारे में जानते हैं क्योंकि प्रश्न इसके इस पे भी डिपेंडेंट आते हैं, शून्यों की संख्या गिनने की बात आती है। डायरेक्ट आपको फैक्टोरियल का टर्म, जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है ट्वेल्थ में, उनको आइडिया होगा कि क्रमगुणित क्या है, मतलब फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल जनरली कुछ एक नंबर के साथ कुछ इस प्रकार से लगाकर दिखाया जाता है, ऐसे लगा दिया जाता है या तो ऐसे लगा दिया जाता है। सिस्टम क्या है मैं आपको समझा दूं, अगर x का फैक्टोरियल लिखा है इसका मतलब x गुड़े x माइनस वन, x माइनस टू, आप x माइनस टू, x माइनस थ्री एंड सो ऑन, तीन गुड़े दो गुड़े एक। अब जैसे तीन गुड़े दो गुड़े एक लिखने का अर्थ है कि अंतिम में एक पर पहुंच जाएंगे, अंतिम में एक पर पहुंच जाएंगे, चाहे ऐसे लिख के दिखाया चाहे जैसे लिख के दिखाया हो। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 10 का फैक्टोरियल क्या होगा, अब 10 के फैक्टोरियल की हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे 10 गुड़े 10 में से एक निकला 9, 9 में से एक निकला 8, 8 में से एक निकला 7, 7 में से एक निकला 6, में से एक निकला 5, फिर एक निकला 4, फिर आपको 3, फिर 2, फिर 1। देखिए अंतिम में 3 2 1 पार है। अब ऐसा नहीं कि आप कहोगे सर हमेशा अंतिम में 3 2 1 आएगा, तो जब 3 का फैक्टोरियल होगा तब अंतिम में 3 2 1 आएगा, लेकिन 2 के फैक्टोरियल में 2 गुड़े 1 होगा। समझ रहे हैं? तो फैक्टोरियल मतलब वहां से प्रारंभ हो करके अपने पीछे तक के सभी इंटीजर्स को लेना है और एक तक जाकर रुक जाना है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप कहोगे सर 5 का फैक्टोरियल जो होगा 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1 होगा, 5 चौके 20 गुड़े 3 60, 60 गुड़े 2 120 होगा। तो 5 का फैक्टोरियल 120 माना जाएगा, स्पष्ट है आपका, क्लियर है? तो इस प्रकार से फैक्टोरियल हम प्लान करते हैं। फैक्टोरियल प्लान करते हैं तो फैक्टोरियल केवल प्लान करने से मतलब नहीं है, प्रश्न बनाया जाता है। और प्रश्न कैसे बनता है, जैसे कभी एग्जाम में आया कि 530 का फैक्टोरियल अगर हम कर रहे हैं तो इसके अंत में आपसे पूछा गया इसके अंत में शून्य कितनी बार आएंगे, इसके अंत में आपसे शून्य पूछा गया कि शून्य कितनी बार आएगा, ये आपको बताना है। अब शून्य कितनी बार आएगा ये मुझे अगर बताना है तो हम देखिए कैसे इसको प्लान कर पाते हैं और किस प्रकार से इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर निकाल पाते हैं। शून्य की संख्या हम गिनने जा रहे हैं, वो भी 530 के फैक्टोरियल में। तो जाहिर सी बात है कि 530 का अगर फैक्टोरियल है तो आपको ये पता है कि ये शुरुआत 530 से होगी, फिर 529 होगा, फिर 528 होगा, फिर 527 होगा, सो ऑन बढ़ते चले जाएंगे तो अंतिम में 3 गुड़े 2 गुड़े 1 होगा। अगर आप इसको याद कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले यही बातें हम लोग करते आ रहे थे कि श्रृंखला 1 से शुरू होकर के 530 हो गई है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 4 गुड़े 5 गुड़े सो ऑन आप कहाँ तक जा सकते हैं बताइए, 530 तक जा सकते हैं। 1 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 4 गुड़े सो ऑन 530 तक जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वही पद है, वही अप्रोच है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, जिसके बारे में हम लोग इतनी देर से पढ़ाई कर रहे हैं। तो 530 को फिर आप जो है सेम अप्रोच अप्लाई करिए, 530 को आप 5 से भाग दीजिए जैसे अभी तक करते आए। एक बार गया शून्य बढ़ा 530 हुआ, 106 को फिर 5 से भाग दीजिए तो 5 दुना 10 हुआ, 1 हुआ 5 एक के 5 हुआ, 21 को अगर हम 5 से भागेंगे तो 5 चौके 20 हुआ। मतलब आपने देखा कि जैसे 530 को मतलब नियम वही है जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, फैक्टोरियल लिख देने से इसके नियमों में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। मतलब आप फैक्टोरियल देख करके कंफ्यूज मत होइए कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा नियम अप्लाई करना होगा। तो आप देख रहे हैं 5 एक के 5 हो गया, 5 छः 30 106 हुआ, 106 को 5 से भाग दिया तो 21 बार जाएगा, 21 को 5 से भाग दिया 4 बार जाएगा, जुड़कर 25 और 6 31 तो 131 बार यहाँ पर 5 आएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या आपकी 131 बार होगी। तो यहाँ पर अगर शून्य काउंट कर रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि शून्यों की संख्या यहाँ पर 31 बार यहाँ पर शून्य आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको अगर किसी भी प्रकार का ऐसा फैक्टोरियल का क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग उसको फेस कर सकते हैं और उस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करके उत्तर बता सकते हैं। तो ये शून्यों की संख्या पर आधारित टॉपिक हमने आपको पढ़ाया जो आई थिंक सफिशियंट है। इसमें कुछ रिलेटेड प्रश्न होंगे, कुछ संबंधित अप्रोच होंगे जो कि हो सकता है हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो उन पर हम लोग बात करेंगे, बाकी यहाँ तक इसके फुल अप्रोच को आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए इस बात के साथ हम इस क्लास की एंडिंग करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक नए अप्रोच के साथ आपके साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।